हाई ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस मी स्वीट सानू गाइस एंड यू आर वॉचिंग नॉन स्टॉप बिका इसके नाम बैक विद अदर अमेजिंग वीडियो आज की जो हमारी वीडियो है यार क्रिकेट ना होगी कोई जंग का मैदान हो गया आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कुछ बोल देते हैं इंडियन क्रिकेटर्स को फिर उनके जवाब में जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स कुछ बोल देते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अभी हमेशा गौरव आर्या दरम्यान में आते हैं और फिर वो उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं अभी मोहम्मद शामी ने जो है वो इंजमाम हक़ को कुछ बोला है वो वीडियो के अंदर जाकर सारी बातें पता और उसके अंदर में जो गौरव आ रहा क्या उस चीज को किस तरह एक्सप्लेन कर रहा हैं फटाफट फ़ड़ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है फटाफट से वहां भी जाइएगा वन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए जल्दी जल्दी से वहाँ भी और उस वहां पर जो है बहुत ही फनी बहुत ही इंटरटेनिंग किस्म का कंटेंट होता है जरूर उस चैनल को विजिट कीजिए बिकॉज बहुत ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल विजिट नहीं कर रहे तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं

अच्छा कार्टून गिरी एक्चुअली बोला था उनकी हरकतों में उनको कार्टून नहीं बोला था लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरा लगा उन्होंने बोला सीनियर हैं ये हैं वो हैं आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह अच्छा दोस्तों बात यह है कि अर्शदीप सिंह जो है जो भारत का फास्ट बॉलर है उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग आपको स्टोरी पता ही है हाँ। उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग अब जब उसको रिवर्स स्विंग मिल रही थी तो फिर इंजमाम हक ने बोला कि इसके ऊपर जरा चेकिंग करवानी चाहिए हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा है। सा चेकिंग हो जाए और चेकिंग से ये पता लगा जाए कि उसके बाद रिवर्स स्विंग अगर मिली तो कोई सरप्राइज नहीं है फिर इंजमाम शर्मा को जवाब देना नहीं आया के मारे उसने बोला हमें मत सिखाओ हमने दुनिया को रिवर्स स्विंग अब ये तो कोई लॉजिक होता नहीं कि हमें मत सिखाओ पाकिस्तानियों ने यह भी बोला था पिछली बार कि इंडिया ने कोई माइक्रोचिप डाल दिया है कोई चिप डाल दिया है और आपस में सड़कों में ये पागल ऐसी बातें करते हैं दोस्तों कि आपको तो पता है कि इंडिया आईटी में कितना आगे है अब उसने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है यार और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है लोग इतने जाहिल हैं मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग ये पाकिस्तान में एक एक मौजू है बना हुआ जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ इसने चिप तो डाली होगी अब हुआ ये कि इसकी बात चल रही थी मोहम्मद शमी की मोहम्मद शमी को ये देखिए साहब अब मोहम्मद शमी ने इंजमाम को स्लैम करा हाँ। और इसमें बोला है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ये कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं बॉल को कट करके दिखा सकता हूं कि अंदर कुछ लगाया कि नहीं लगा या कोई चिप लगाया कोई मशीन लगाई है कि नहीं आप बॉल को काट के देख लो अगर आपको लगता है तो ठीक है ना अभी एक और नमूना खोद के दिया इन्होंने दे सेट हाउ कैन अर्षदीप अब इन्होंने इसको पहले नमू, नमूना बोला एक तो मोहम्मद शमी भी बदमाश है कैसे बदमाश है मोहम्मद शमी कह रहा है कि पहले इसने इंजम को बोला नमूना फिर बोला कार्टून फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ यार शमी ये ये कैसी इज्जत करते हो एक तो उसकी बेस्ती कर दी पूरी फिर कहते हैं नहीं मैम इंजाम भाई की पूरी इज्जत करता हूँ लेकिन है कार्टून है नमूना अच्छा ये पाकिस्तान से फिर ये जो बासित अली हैं एक इनके टेस्ट क्रिकेटर ये देखिए साहब बासित अली का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने तकरीबन आई थिंक उन्नीस टेस्ट मैच खेले और पचास ओडीआई खेली हैं उन्होंने बोला कि साहब ये तो सीनियर है और आपको ऐसा करना चाहिए नहीं चाहिए और आपने कैसे इंजमाम हक को बोला ये सारी बारी बातें जो हैं इन लोगों ने कही तो पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा यार मैं एक बात बताऊं मैं कहता हूं कि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल ठीक बोला

खुद मेहनत नहीं करना चाहते खुद पाकिस्तानी कौम मेहनत नहीं करना चाहती खुद पाकिस्तानी कौम कुछ हासिल नहीं करना चाहती कुछ अपनी तरफ से काम नहीं करना चाहती लेकिन दूसरे के सक्सेस से जलना राइट इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि अच्छा टेलीविजन पर एंकर कह रहे हैं अरे एक बात बताइए इंजमाम भाई साजिश तो हुई है ना साजिश तो हुई है गेम तो कर गया इंडिया बीच में ये कभी मानने को तैयारी नहीं है कि इंडिया ने इनको हरा दिया हाँ कोई भी नहीं। इनको कोई और हरा दे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनफैक्ट इनका आर्मी चीफ इतना पागल है आई थॉट ही वॉज यू नो बिंग दी आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आई वुड एक्सपेक्ट अ अटन सेंस ऑफ मेचोरिटी आपको पता है, आर्मी चीफ ने बाबर आजम को क्या बोला वर्ल्ड कप खेलने से पहले वो ट्रेनिंग व्रेनिंग जब एक करवा रहे थे फौज के साथ अपना सरेंडर करने की ट्रेनिंग ले रहे थे तब इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये बोला कि तुम किसी के साथ भी हार जाना भारत के साथ मथा ये तो बैल इनका आर्मी चीफ है आर्मी चीफ को यह कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं आप लोग वर्ल्ड कप जीतें ऑल द वेरी बेस्ट हम आपके लिए दुआ करेंगे एंड वी आर देयर इन योर सपोर्ट आपने पहले इनके दिमाग में जहर डाल दिया अब यार जब जहर डालोगे तो सांप का बच्चा बनेगा इंसान का तो बच्चा बनेगा नहीं उसके अंदर इतना जहर डाल दिया कि जैसे किसी और के साथ हार जाओ वर्ल्ड कप तुम लाओ ना लाओ आपने पहले ही पाकिस्तानी टीम को क्या बोला चाहे तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ यार इंडिया को हरा देना बस हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया ये पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर है तभी तो मैं कहता हूं जाहिल के बच्चे मदरसा छापे सबके सब सारे मदरसे में पड़े हुए इन जमान की शक्ल देखो आपको लगता है ये कि कहीं एजुकेटेड होगा वो बात ही ऐसी करता है कभी कहता है रिवर्सिम कैसे हो गई इनके वर्ड सुनो यार इनकी शक्लें देखो इनके वर्ड सुनो आपको पता लगेगा ये अजीबों गरीब बातें करते हैं टेलीविजन पे ये अजीब बातें करते हैं फिर इनको बुरा भी लगता है अभी जो बासित है बासित कह रहा है यार कि इतने सीनियर प्लेयर की आपने बेजती कैसे कर दी वो मोहम्मद शमी को बोल रहा है कि आपने गलत करा है आपको इतने सी... सीनियर प्लेयर भैया देखो मैंने कई बार देखा है पाकिस्तानी टेलीविजन पर बोलते हुए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है ठीक है आई एम सॉरी मैं आप लोगों से डिसग्री करता हूं अपनी इज्जत और अपनी जिल्लत अपने खुद के हाथ में होती है ठीक है ये हर चीज अल्लाह को आउटसोर्स मत करो कि ये हो गया तो अल्लाह के हाथ में ये आपके हाथ में लोग आपकी इज्जत करें आपको गालियां दें आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है ठीक है ये आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है आप कैसी हरकतें करते हैं आपका अमल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपकी तारीफ करें गालियां इंजमाम हक क्या कहता है कि नहीं रिवर्स स्विंग जरा चेक करवाएं इनके क्रिकेटर बोल रहे हैं कि बुमराह का एक्शन चेक करवाएं जरा कुछ तो गड़बड़ है इसके एक्शन में मतलब इनको मौत आ जाए ये कभी मानने को तैयार नहीं कि इंडिया इज द बेटर टीम और हमें इनको कन्विंस भी नहीं करना अच्छा लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों लेटेस्ट ये चल रहा है कि सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो क्या इंडिया नहीं आएगी मैं चैलेंज कर रहा हूं वो हरभजन सिंह से लड़ रहा था आदमी मैं चैलेंज कर रहा हूं हरभजन साहब से पूछे मैं चैलेंज कर रहा हूं तो जब हरभजन सिंह ने इनको यह बोल दिया कि साहब इंडिया नहीं आएगी उसके 48 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने बोला कि नहीं नहीं होगा फिर वही पाकिस्तानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया को आना पड़ेगा, नहीं। इंडिया को को आना आना पड़ेगा अच्छा आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो रफू के पैसे ना हो दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग उनके दुनिया भर में उनकी बेजती हो रही हो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में अरे इंडिया आएगा कैसे नहीं आएगा और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा वो अपना बोल के डायलॉग जाके घर जा चुका है बिरयानी खा के सो चुका है तो भैया ऐसा है मैं बताना चाहता हूं कि इज्जत और जिल्लत किसी और के हाथ पे नहीं होती ये अपने खुद के हाथ में होती है अगर आप ऐसा काम करोगे कि जिससे गालियां पड़े तो आपको गालियां पड़ेंगी और अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे ठीक है डोंट आउटसोर्स एवरीथिंग टू अल्लाह के अल्लाह के हाथ में होगी अल्लाह के हाथ में मैं मना नहीं कर रहा लेकिन अपने हाथ में भी होती है ठीक है आज की तारीख में अगर मैं अच्छा काम करूंगा लोग बोलेंगे मेजर साहब अपना बढ़िया काम कराए अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा लोग पॉइंट आउट करेंगे अब मैं इसमें बोल दूं कि नहीं तो भगवान के हाथ में मैंने तो कुछ कराएंगे नहीं नहीं सब करनी मेरी ही है भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी ने जो बोला इंजमाम को मोहम्मद शमी वेरी वेल डन ठीक है लेकिन यह बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आई कि मोहम्मद शमी कहता है ये तो कार्टून है उसने चार उल्टी बातें बोली इंजमाम को फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं आप सब बैलेंस कर पूरे इंडिया के व्यूअर्स इंजमाम हक की वही इज्जत करिए जो हमारे प्यारे फास्ट बोलर मोहम्मद शमी ने करी थी सेम इज्जत कैरी ऑन ओके गाइस तो हम लोगों ने देखा किस तरह जो, <laughs> जो है वो मेरे जो गौरव आ दोबारा से वो चीज़ और मैं मोहम्मद शामी ने जो है वो बयान दिया और क्या है कि वो मतलब उन्होंने बैलेंस कर दिया एक तरफ से कार्टून भी बोल दिया फिर इज्जत का भी तो वो चीज़ बैलेंस हो गई शामी ने मतलब अकॉर्डिंग टू मेजर जी तो उन्होंने बोला है कि भाई शामी तुमने बहुत अच्छा किया और यार मुझे तो समझ नहीं आती इन मतलब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे तो लड़ाइयाँ होती थी और फिर पॉलिटिकल इश्यूज पे भी लड़ाइयाँ होती थी अभी एक नया चीज़ स्टार्ट हो गई है वो मतलब क्रिकेट के अंदर आ गई है क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है क्रिकेट के अंदर लड़ाई झगड़े आ गए वहाँ मतलब सोशल मीडिया पे बैठ के कोई क्रिकेटर कुछ बोलता है फिर यहाँ का क्रिकेटर कुछ बोलता है फिर उसके काउंटर में कुछ वो बोलते हैं तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो है ना वो प्यार मोहब्बत सलामती के लिए दूर दूर तक

तो गैस आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा तो चलिएगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय